गुड मॉर्निंग एवरी वन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लेम डिक्शनरी मीनिंग क्या है क्लेम का क्लेम का मतलब है जब आप किसी को कुछ कह रहे हो कि आप मुझे वो चीज दो क्योंकि उस चीज के ऊपर मेरा राइट right है और उस चीज की कोई वैल्यू है जो चीज आप उससे मांग रहे हो तो क्लेम का मतलब इज टू आस्क समथिंग ऑफ वैल्यू बिकॉज यू थिंक इट बिलोंग्स टू यू और बिकॉज़ यू यू थिंक हैव अ राइट टू इट तो इंश्योरेंस में क्लेम का मतलब है आप क्लेम कर रहे हो मांग रहे हो ड्यू अमाउंट अंडर टर्म्स ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी जब एक पर्सन क्लेम uh, करता है तो क्लेम के लिए उसे एक फॉर्म uh, फिल करना होता है और भी उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो सारी चीज़ें आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे जब एक पर्सन फिल करता है प्रपोजल फॉर्म पॉलिसी के लिए और इंश्योरर उसे एक्सेप्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और इंश्योरर वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है अमाउंट जो है वो पे करेगा ऑन दी हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट लाइक मैच्योरिटी और डेथ और जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी है वो डिमांड करता है इंश्योरर से कि वो अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल करे एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी इसी डिमांड को पॉलिसी क्लेम कहा जाता है फीचर्स क्या है पॉलिसी क्लेम के जो नॉमिनी है इंश्योर्ड का वो एक फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट करता है इंश्योरर को नॉमिनी डिमांड करता है अमाउंट डिमांड की जाती है पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी और जो डिमांड आप कर रहे हो वो डिमांड आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को लगा के करनी है नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिसी क्लेम्स सबसे पहला है हमारा मेच्योरिटी क्लेम्स अगर जो इंश्योर्ड है वो सरवाइव करता है अप टू दी एंड ऑफ पॉलिसी टर्म तो जो मेच्योरिटी क्लेम है वो अराइज होता है मेच्योरिटी क्लेम नॉर्मली पे किया जाता है इन केस ऑफ इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो टर्म प्लान्स है उनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कोई मेचोरिटी अमाउंट देन है आपका प्रियोडिक क्लेम्स जो क्लेम्स आप पे कर रहे हो एट फिक्स इंटरवल्स इन बिटवीन ऑफ पॉलिसी टर्म तो उसे हम कहते हैं प्रियोडिक क्लेम ये जनरली पे किया जाता है इन केस ऑफ मनी बैक पॉलिसीज़ जो पीरियड है पेमेंट का वो वेरी कर सकता है फ्रॉम पॉलिसी टू पॉलिसी एंड इंश्योरर टू इंश्योरर नेक्स्ट है डेथ क्लेम जब जो इंश्योर है वो मर जाता है बिफोर द डेट ऑफ मेचोरिटी तब ये जो क्लेम आप करो, करोगे उसे डेथ क्लेम कहा जाता है तो जो डेथ क्लेम है वो पेबल होता है इन केस ऑफ पॉलिसी जहां पर जो प्रीमियम आपने अप टू डेट पे किया है और जो डेथ हुई है वो अकर हुई है विद इन ऑफ ग्रेस तो जो डेथ क्लेम है वो दो टाइप का हो सकता है पहला है अर्ली डेथ क्लेम और दूसरा है नॉन अर्ली डेथ क्लेम अगर जो क्लेम है वो अराइज हो रहा है विद इन फर्स्ट ऑफ 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 द डेट इशू पॉलिसी तो उसे हम अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं या और उसे प्री मेच्योर डेथ क्लेम भी कहा जाता है दूसरा है नॉन अर्ली डेथ क्लेम अगर डेथ क्लेम अराइज हो रहा है आफ्टर टू ईयर ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी तो उसे नॉन अर्ली डेथ क्लेम कहा जाएगा प्रोसीजर क्या है इसका तो क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर क्या है इसे हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सबसे पहला आता है प्रोसीजर इन मेचोरिटी क्लेम्स क्लेम जो पे आपको होना है एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म उसे हम मेचोरिटी क्लेम्स कहते हैं तो फॉर दी स्पीडी सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं इंश्योरर को वो तो क्या क्या है ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड ड्यूली स्टैम्प साइंड एंडनेस्ड डिस्चार्ज फॉर्म प्रूफ एज का इनकेस जो पॉलिसी है वो विदाउटू uh, की गई थी डॉक्यूमेंट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन अगर आपने जो पॉलिसी है उसके ऊपर लोन लिया था तो इफ द लोन इज टेकन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन अदर देन इंश्योर अगर इंश्योर के अलावा आपने किसी और से लोन लिया था तो उसका रिपेमेंट ऑफ लोन आपका हो गया है उसका डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ेगा देन कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट ऑफ असाइनमेंट इन केस ऑफ असाइनमेंट इनडेमिटी बॉन्ड अगर जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो आप से खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है उसके बाद जो कंपनी है आपको पेमेंट करेगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या फिर आपको क्रेडिट या फिर इशू पोस्ट डेटेड चेक दे देगी और वो क्रेडिट आपके अकाउंट में कर देगी ऑन मेचोरिटी डेट तो जो मेचोरिटी क्लेम अमाउंट है उसमें बेसिक सम एश्योर्ड होगा और जो भी अदर एडिशंस किए गए हैं जैसे ऑर्डनरी रिव्यूशनरी बोनस टर्मिनल बोनस एसेट्रा जो कोई भी पेमेंट है जो ड्यू है डेप्ट की फॉर्म में या इंटरेस्ट ऑन डेप्ट या आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एक्सेट्रा की फॉर्म में आपने देनी है इंश्योरर को तो उसे भी उसी अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा जो नॉमिनेशन है वो इरेलीवेंट हो जाता है इन केस ऑफ मेचोरिटी क्लेम तो ये इट इज़ फ्री फ्रॉम डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन की आपका जो नॉमिनी है उसको टाइटल दिखाना पड़ेगा या प्रोबेट पीरियड में जाना पड़ेगा अगर पॉलिसी अंडर असाइनमेंट है तो जो पेमेंट है वो असाइनी को की जाएगी और जब पेमेंट क्लेम पे किया जा रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है क्लेम पे करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर वो खत्म हो जाता है और जो अगर पेमेंट जो है मेचोरिटी क्लेम की एनविटी पॉलिसी की आप कर रहे हो तो वो भी इंस्टॉलमेंट्स में की जाएगी एज पर द एंड कंडीशन ऑफ पॉलिसी नेक्स्ट आता है सेटलमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रियोडिकले सर्वाइवल बेनिफिट्स सर्वाइवल सर्वाइवल बेनिफिट्स बेनिफिट्स के केस में ये ये सबसे पहले जो हैं ये किस केस में पे किए जाते हैं ये पे किए जाते हैं मनी बैक पॉलिसीज़ के केस में और जो प्रियोडिके आउट्स हैं वो क्रिएट करते हैं वेल्थ पर्सन के लिए फॉर मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एट की स्टेजेस इन लाइफ जो जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका जो एक पार्ट है आपको स्पेसिफिक इंटरवल्स पर पे कर दिया जाता है सपोज जैसे आपने 20 साल का लिया है तो जो भी सम एश्योर्ड है उसका कुछ पार्ट आपको पांच साल बाद वो पे कर रहा है कुछ पार्ट दस साल बाद पे कर रहा है तो इस तरीके से ये पॉलिसी चलती है तो जो पीरियडिक पेमेंट्स हैं वो पे की जाएंगी आफ्टर डिटक्टिंग दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट और ये जो आपको पे किया जाता है सम एश्योर्ड स्पेसिफिक इंटरवल्स में ये एक सर्टेन परसेंटेज होता है आपका सम एश्योर्ड का तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ पीरियडिक पेमेंट्स डिस्चार्ज फॉर्म जो ड्यूली स्टैम्प्ड साइंड और विटनेस्ड होना चाहिए और ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट बट अब जो है नीड नहीं है पॉलिसी डॉक्यूमेंट सेंड करने की या डिस्चार्ज फॉर्म सेंड करने की जो इंश्योरर है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है अमाउंट थ्रू ईसीएस डायरेक्टली इन दी बैंक अकाउंट्स या थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स अगर पॉलिसी होल्डर मर जाता है आफ्टर द ड्यू डेट बट बिफोर सेटलमेंट ऑफ क्लेम तो जो क्लेम का अमाउंट है वो नॉमिनी को पे किया जाएगा नेक्स्ट है सेटलमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ क्लेम्स जहाँ पर आपका पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड मर जाता है बिफोर द मेचोरिटी ऑफ द पॉलिसी तो उस क्लेम को हम डेथ क्लेम कहते हैं जो डेथ क्लेम है वो पेबल होता है इन केस ऑफ पॉलिसीज जहाँ पर जो प्रीमियम है आपने अप टू डेट पे कर रखा हो और डेथ आपकी अक्कर हो रही है विद इन दी ग्रेस पीरियड तो क्या प्रोसीजर है इन केस ऑफ डेथ क्लेम सबसे पहले इंटीमेशन ऑफ डेथ आपको करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कंसर्न ब्रांच ऑफिस है उन्हें आपको इंटीमेट करना पड़ेगा रिगार्डिंग दी डेथ और कोई भी इंफॉर्मेशन इंटीमेशन जो है ब्रांच को सेंड कर सकता है कौन कौन कर सकता है नॉमिनी कर सकता है असाइनी कर सकता है अगर कोई है लीगल हेयर्स कर सकते हैं पॉलिसी होल्डर के एम्प्लॉयर कर सकता है एजेंट कर सकता है या सेल्स मैनेजर डेवलपमेंट ऑफिसर कर सकता है तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इंक्लूडेड होनी चाहिए जब आप इंटीमेशन दे रहे हो डेथ का नेम ऑफ द इंश्योर्ड डेट ऑफ डेथ कॉज ऑफ डेथ प्लेस ऑफ डेथ पॉलिसी नंबर एंड रिलेशनशिप ऑफ क्लेमेंट देन उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ता है प्रूफ तो सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ डेथ इंटीमेशन रिसीव करने के बाद जो ब्रांच ऑफिस है इंश्योरर का वो वेरीफाई करेगा स्टेटस क्या है पॉलिसी का और जेन कितनी है क्लेम की जो उसके पास क्लेम फॉर्म भेजा गया है उसकी और इंस्ट्रक्शंस क्या है प्रोसीजर के रिगार्डिंग जो उसे फॉलो करनी है तो जो इंश्योरर है वो आपसे प्रूफ मांगेगा डेथ का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने होते हैं क्लेम फॉर्म ए क्लेमेंट जिसमें स्टेटमेंट देगा कि जो डिटेल्स हैं डिजीज की वो क्या थी और क्लेमेंट की डिटेल्स क्या है एक स्टेटमेंट डॉक्टर से जिसने लास्ट अटेंड किया है डिजीज को एक सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से जहां पर जो पॉलिसी होल्डर है वो लास्ट ट्रीट किया गया था एक सर्टिफिकेट क्रीमेश क्रीमेशन का या ब्यूरल का देन ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपका अर्ली क्लेम है तो उस केस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं पॉलिसी बॉन्ड डिस्चार्ज वाउचर असाइनमेंट डीड अगर कोई है प्रूफ ऑफ टाइटल अगर कोई नॉमिनेशन या असाइनमेंट नहीं है स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर जिसने लास्ट अटेंड किया है जो पर्सन मर गया है उसको स्टेटमेंट ऑफ हॉस्पिटल जहां पे इंश्योर्ड मरा है देन स्टेटमेंट एम्प्लॉयर की अबाउट लीव अगर उसने कोई ली थी इंश्योर्ड ने ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ सिकनेस सर्टिफिकेट क्रीमेशन का या ब्यूरल का सर्टिफिकेट डेथ का फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी म्यूनसिपल कमेटी इन केस आपका अर्ली डेथ क्लेम है तो कंपनी डील करती है बहुत कॉशियसली uh, डील करती है कि कहीं फ्रॉड का केस तो नहीं है तो अगर इंश्योरर जो है वो इंक्वायर करेगा कि इंश्योर ने कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाई तो नहीं है तो जो इंश्योरर है उसके पास राइट right है एडमिट करने का क्लेम अगर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी एट द टाइम ऑफ प्रपोजल तो जो इंश्योरर है वो ख, uh, जो क्लेम दे सकता है उसको खत्म कर सकता है और अगर उसके पास सफिशेंट एविडेंस है इस चीज का मिस रिप्रेजेंटेशन प्रपोजल के टाइम पे किया गया था तो वो क्लेम एडमिट नहीं करेगा देन नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ क्लेमेंट अगर जो नेम है नॉमिनी का वो रजिस्टर्ड है या असाइनमेंट किया गया है वैलिड मैनर में तो कोई प्रूफ ऑफ टाइटल की जरूरत नहीं है लेकिन अगर नॉमिनेशन प्रोवाइड नहीं करवाया गया था और वैलिड असाइनमेंट नहीं की गई थी तो जो क्लेमेंट है उसे सैटिस्फेक्ट्री प्रूफ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा टाइटल का कि जो जो इस आ, मरा है पर्सन उसके एस्टेट का वो हेयर है उसका टाइटल उसे उसका प्रूफ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा तो जो प्रूफ है वो सर्टिफाइड होना चाहिए बाय अ कॉम्पिटेंट ज्यूडिशियल अथॉरिटी जो ज्यूडिशियल अथॉरिटी है वो किस तरीके से प्रूफ दे सकती है नॉमिनी को एक सक, सक्सेशन सर्टिफिकेट दे सकती है एक लेटर ऑफ प्रोबेट दे सकती है या एक रजिस्टर्ड विल दे सकती है अगर विल है तो कोर्ट वैलिडेट करेगा उसको जिसे हम प्रोबे प्रोबेट करना कहते हैं तो जो प्रोबेट है वो रिक्वायर होगी अलोंग विद कॉपी ऑफ विल सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बाय कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेनेंट और उसमें specified distribution of policies money mention होता है Then, जो next step आता है जो आता जब आपकी सारी formalities complete हो जाती हैं तो जो इंश्योरर है वो इशू करेगा एक डिस्चार्ज फॉर्म और जो डिस्चार्ज फॉर्म है उसे साइन करेगा या तो नॉमिनी या असाइनी या लीगल हेयर जैसा भी केस होगा और जो इंश्योरर है वो इशू कर देगा अमाउंट उसके फेवर में तो एज पर आई गाइडलाइंस जो इंश्योरर है वो पे करेगा क्लेम विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट जब सारी फॉर्मेलिटीज आपकी कंप्लीट हो गई है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच